थोड़ा सा आज हम देखते हैं कि कुछ इंटरनेट से, जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो उससे कुछ चीज़ों में कैसे हेल्प ली जा सकती है। कुछ चीज़ों को आप पहले ही परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ब्राउजिंग वगैरह किस तरह की जा सकती है, AI टूल्स को यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है, कुछ आपको बेहतर तरीके से सर्चिंग टेक्निक्स वगैरह, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप पे अपना गूगल प्रोफाइल कैसे सेट करना है। अब गूगल प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये गूगल क्रोम क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये गूगल क्रोम, या इसको हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, ये बेसिकली दोनों वेब ब्राउज़र्स हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र्स। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और ये आपको क्या हेल्प करेंगे, हेल्प करते हैं किस चीज़ में, टू लोड और डिस्प्ले वेब कंटेंट्स, इन इजी वर्ड्स में वेबसाइट, सही है। तो अब ये वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट तो आप सबको पता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर विच एग्जिस्ट ऑन अनदर कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड बाय इंटरनेट, ठीक है। और इंटरनेट क्या है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क है ना। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, मतलब जिसका मुंह चाहता है उठा के कनेक्ट हो जाता है इसके साथ, तो वो एक पब्लिक नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो जब नेटवर्क की बात आ जाती है, तो नेटवर्क की डेफिनेशन तो सबको पता ही है, यानी कि अगर इंसानों का नेटवर्क थे, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल्स, इंटरकनेक्टेड पीपल्स, और अगर मशीन्स की बात करें, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, क्या हुआ, अरे टॉपिक पे फोकस करो, इंग्लिश की क्लास थोड़ी है, कर लेंगे उसको सही। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स एंड ऑल अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये भी नेटवर्क है, जिसमें कंप्यूटर, दूसरी डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं, ये मशीनों का नेटवर्क है। और जहाँ इंसानों का नेटवर्क होता है, तो उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह रहे होते हैं ह्यूमन नेटवर्क। तो जैसे आप लोग अभी मिले एक दूसरे से, आप एक दूसरे से जान पहचान हो गई, बातचीत करते हैं, तो ये आपका ह्यूमन नेटवर्क हो गया। पर आप इंटरकनेक्टेड भी होने चाहिए, मतलब ऐसे मकसद, ऐसा नेटवर्क नहीं हो सकता, दो लोग डेली एक जगह पे आते हैं लेकिन बातचीत ही नहीं करते, शेयरिंग ही नहीं करते, तो वो नेटवर्क का पार्ट नहीं हो सकते, वो अलग अलग नेटवर्क है। हाँ, दोनों लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में कनेक्टेड है, शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, वो नेटवर्क कहलाएगा, एक नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इंटरनेट के बारे में भी समझ में आ गया, वेबसाइट के बारे में भी समझ में आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करने में हमें हेल्प कौन कर रहा होता है, वेब ब्राउज़र। अब आजकल इसकी काफ़ी ज़रूरत हो गई, मैं असल में ये चीज़ें इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, आजकल इंटरनेट की स्पीड कुछ खास नहीं है, तो वो सिखाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। थोड़ा सा कह रहे हैं कि सितंबर के एंड में सही हो जाएगा, तो काम करेंगे। अब आप वेब ब्राउज़र पे अपना प्रोफाइल कैसे सेट करेंगे, प्रोफाइल सेट करने का मकसद ये होता है कि जब आप ब्राउज़र को खोलें, ये इस तरह से खुलेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे आ रहे हैं NH मुस्लिम टाउन, राशिद अली, अली राशिद, अली राशिद मोहम्मद खान, कुछ भी लिखे हुए हैं। ये क्या किया है कि मैंने अपने जीमेल की आईडी को एक प्रोफाइल के तहत कनेक्ट कर दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं इस प्रोफाइल के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करूँगा, तो इस प्रोफाइल में जो मैंने अपना आईडी लगाया है, जीमेल का आईडी, वो आईडी ऑटोमेटिकली ऑथोराइज होता रहेगा तमाम वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक पर भी, जीमेल पर भी, ईमेल पर भी, चैट जीपीटी पे भी, मेटा एआई के ऊपर भी, जेमिनी के ऊपर भी, कैनवा के ऊपर भी, जितनी भी ऑपरेशनल वेबसाइट हैं जो आपसे ईमेल पासवर्ड के बारे में पूछती हैं, और अगर आपने अपना क्रोम पर एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो जैसे ही आप इस प्रोफाइल के ज़रिए उन वेबसाइट को एक्सेस करेंगे,
तो आपको बार बार आईडी पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो ऑटोमेटिकली उसको ऑथोराइज करता रहेगा। क्योंकि जैसे अभी एक मिसाल लेते हैं, अभी आपने अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर पर जीमेल का आईडी लगाया हुआ है, तो अब जितनी भी सर्विसेज को अवेल करते हैं बार बार, तो आईडी पासवर्ड नहीं लगाना पड़ता ना, वो उसी आईडी के ऊपर एक्टिवेट होती रहती है। सेम मेथड इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन ये आपने अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना है, किसी भी पब्लिक कंप्यूटर या लैपटॉप पर नहीं करना। अगर आप उस पर कर गए और आपने उसको रिमूव नहीं किया, तो बस जो भी आएगा क्लिक करेगा, वो सारी अथॉराइजेशंस और तमाम एक्सेस आपके अकाउंट के उसके पास होंगे। तो इस बात को कीप इन माइंड। अब मैंने जैसे अपना ये बना रखा है, ये बना रखा है। अच्छा, अब आप में से जीमेल का आईडी किस किस को बनाना आता है? सबको आ रहा है, सबको आ रहा है, मतलब आसान है, बना लेंगे ना, ये तो कोई सीखने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैसे क्रिएट होगा? अब इसमें देखिए, आप कहेंगे यहाँ से ऐड, जैसे आप कहेंगे दो ऑप्शन कह रहा है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। अगर आप कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट करेंगे, तो फिर ये होगा कि वेब ब्राउज़र तो आपका खुल जाएगा, ये देखिए आगे खुल गया। और जब ये खुल जाएगा, तो कोई एक कलर वगैरह लिया हमने यहाँ से प्रोफाइल का, और नाम लिख लिया सपोज टू बी अननोन, हमने नाम लिख दिया इसका, और इसको डन कर दिया। तो डन कर दिया, ये खुल गया वेब ब्राउज़र आपका। वेब ब्राउज़र का ये टैब है, ठीक है, और इस तरह आप कई टैब सेट करा सकते हैं, यानी कि एक ही विंडो के अंदर कई वेबसाइट्स को आप एक वक्त में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैब है, ये एड्रेस बार है, ये आपका कंटेंट एरिया है, ये बैक एंड फॉरवर्ड के बटन है, ये रीलोड का बटन है। लेकिन अब इस पर जितनी भी वेबसाइट्स पर आएंगे आप, वहाँ पर आपसे ये आईडी पासवर्ड बार बार पूछेगा, क्योंकि आपने शुरू में अकाउंट को सेटअप नहीं किया है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आपने ये खोला गूगल, और यहाँ से क्लिक करके आप कहेंगे ऐड, और ऐड करके आप कह रहे हैं साइन इन। अब साइन इन में आपको अपना आईडी पासवर्ड लगाना होगा। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड देंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, ऐसे ही मैं करके बताता हूँ, 26 राशिद लिखता हूँ मैं। तो इसका पासवर्ड मुझे यहाँ डालना होगा, पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही आप सही पासवर्ड इसके अंदर पुट करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, आपका प्रोफाइल एक ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो जाएगा? इस जगह पर ऐड हो जाएगा, ये जैसे कि मेरा नज़र आ रहा होता है आपको, इस तरह से। तो जितने प्रोफाइल आप ऐड करते जाएंगे, वो सारे प्रोफाइल ऐड होते चलेंगे। अभी हमने अननोन वाला भी ऐड किया था, तो देखिए यहाँ आ रहा है। फिर यहाँ से इसको अगर डिलीट करना हो तो ईजीली डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हैं। अब ये प्रोफाइल बनाने का फ़ायदा क्या है? जैसे अगर आप तीन चार अकाउंट यूज़ करते हैं जीमेल के, तीन चार अकाउंट हैं, या तीन चार लोग मिलके एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने अपने अलग अलग प्रोफाइल बना लें। फिर जो भी अकाउंट से आप आगे इंटरनेट पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस अकाउंट पर क्लिक करके एक्सेस ले लें। जैसे कि मैं इससे करना चाह रहा हूँ, ये मेरा एक अलग अकाउंट है, ये ब्राउज़र खुल गया। अब जितनी भी ऑथोराइजेशंस होनी है आगे जाके, रजिस्ट्रेशंस होनी है, वो इस ईमेल आईडी के ऊपर होनी है, जिसको मैंने यहाँ पे पहले से ऐड करा रखा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके, अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ से गए, आप आगे गूगल डॉट कॉम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉट कॉम खोला आपने। गूगल का तो पता ही क्या है, गूगल क्या कहते हैं, वॉट इज़ गूगल, वॉट इज़ गूगल डॉट कॉम, पता है कुछ? ब्राउज़र तो गूगल क्रोम है, सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट तो है, लेकिन ये किस तरह की वेबसाइट है? अगर थोड़ा सा गूगल के बारे में पढ़ लेते हैं, तो गूगल डॉट कॉम जो है वेबसाइट है, डेफिनेटली वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट की कौन सी टाइप है, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन। क्या कहते हैं? सर्च इंजन एक सच वेबसाइट नहीं होती कि जिसके ऊपर खुद की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। जैसे कि अगर अभी हम एक वेबसाइट खोलें, इसी पे यहाँ पर जाते हैं, इसके बराबर में एक टैब लेते हैं, और यहाँ पे जाके अब एक वेबसाइट खोलते हैं vu.edu.pk। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इस पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। बात समझ में नहीं आ रही, आ गई है ना? इस पर आपको सिंध यूनिवर्सिटी, महरान यूनिवर्सिटी, फास यूनिवर्सिटी, ओपस यूनिवर्सिटी, ओपल यूनिवर्सिटी, किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। ये प्रॉपर वेबसाइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, और उसकी इन्फॉर्मेशन इस पर होगी। आप देखिए इंटरनेट का हाल, देख रहे हैं क्या पढ़ाएं, इसको लिख के सो जाए आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, अब गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है, मतलब कहीं पर सवाल हो सकता है आपसे। अब आप क्योंकि सीख रहे हैं, देखिए मैंने कहा ना, मोबाइल
पढ़े लिखे आदमी भी चला सकता है और इलिटरेट आदमी भी चला सकता है जिसका तालीम से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। अभी आप लोग आते हैं यहाँ नुक्कड़ पे, काफ़ी लोग होटल पे बैठे हुए होते हैं, यहाँ से टर्न होते होंगे, काफ़ी लोग होटल पे बैठे होते हैं और उसके आगे भी बैठे होते हैं। यू मे वॉन्डर कि आप सबके पास मोबाइल देखेंगे चला रहे होंगे, और जिनकी तालीम प्राइमरी होगी माइंड भी नहीं होगी, मोबाइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मोबाइल के ऊपर कोई एजुकेशन का ई नहीं बना हुआ, उसके ऊपर सी बना हुआ है। और सी का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में सी तो है पर कैलकुलेट है, कैलकुलेट है तो हिसाब किताब है, हिसाब किताब है तो बिजनेस है, बिजनेस है तो बिजनेस करने के लिए तो हिसाब किताब करने के लिए तो तालीम का होना लाजमी है और कम्युनिकेशंस भी हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपको गूगल के बारे में नहीं पता, आप बहुत अच्छा चलाते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो कहीं क्वेश्चन में आप फ्लॉप हो सकते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट जिस पे खुद का कोई डेटा नहीं है लेकिन उसने अपने पास डेटा कलेक्ट कर रखा है उन तमाम वेबसाइट्स का जो अब तक क्रिएट हो चुकी हैं और क्रिएट होंगी। मतलब फिर ये क्या है भाई? ये सर्च इंजन है तो ये क्यों है? देखिए, इसलिए है कि दुनिया में काफ़ी लोगों ने वेबसाइट्स बनाई। हाउ वुड आई नो कि एक दुबई में लुलूस करके एक मार्केट है, उसकी वेबसाइट क्या है? क्योंकि वो तो दुबई में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, किसी छोटे कंट्री, किसी बड़े कंट्री में हज़ारों लाखों कंपनियां डेली बनती हैं, उनकी वेबसाइट्स बनती हैं। हाउ वुड आई नो? गूगल मुझे हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? मैं गूगल को कहूँगा, गूगल मुझे ऐसा करो यार कि मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं पता, तुम मुझे बता दो। तो मैं यहाँ गूगल के सर्च बार में लिखूँगा मेहरान यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और गूगल मुझे उसकी वेबसाइट ला के दे देगा www.mute.edu.pk। और भी चीज़ें मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी से ला के दे देगा जो जो इसके पास डेटा इसको होगा। तो इसके पास डेटा कैसे आता है? गूगल अब इतना बड़ा हो चुका है कि लोग गूगल पे अपनी वेबसाइट को डेटा रजिस्टर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसलिए कि इतना बड़ा हो चुका है और इतना कॉमन है कि जिसको कुछ नहीं पता होता वो कहता है गूगल से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, तो गूगल बता देता है, गूगल के पास होता है, गूगल दे देता है। इससे फ़ायदा तो उसी कंपनी का होता है ना कि लोग उसको रीच आउट कर लेते हैं, फिर जो भी सर्विसेज वगैरह या जो भी उनसे लेना देने का अमल होता है वो ईजिली परफॉर्म हो जाता है। तो ये गूगल का सर्च बार है और इसे काम कर रहा था। गूगल सर्च बार में इमेजेस भी ढूंढ के लिए आता है। अगर हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे और कहेंगे इस इमेज को ढूंढ के बताओ, तो यहाँ से हम कहेंगे अपलोड फाइल, और अपलोड फाइल करके हम कौन सा इमेज सर्च करवाना चाह रहे हैं, चलो इस लड़की का एक इमेज पड़ा हुआ है तो इसको सर्च करवा लेते हैं। हम कहते हैं भाई ये तस्वीर हमने तुम्हें दी, ढूंढ के लाओ ऐसी इसकी और भी इमेजेस हैं तुम्हारे पास। तो बता रहा है कि भाई ये लड़की का नाम है मोनिका रानी और इसका फेसबुक का भी प्रोफाइल है गूगल के पास। कह रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको फेसबुक का प्रोफाइल ला के दे सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो एग्जैक्ट मैच हो गया, दिखा दो। तो इसने मुझे इसके और भी फोटोग्राफ्स दिखा दिए और यहाँ पे इसके ऊपर जो जो कमेंट्स आए हुए हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स पर इसको अपलोड किया गया है, आशकित ने भी ये फ़ोटो लगाया हुआ है, कितने लोगों ने ये फ़ोटो लगाया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो गूगल के पास थी उसने हमें ला के दे दी। सही है, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, कर भी रहे होंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको ऐड कर रहा था। अच्छा, अब गूगल वाली जो स्टोरी है, जो ये हम गूगल पे काम कर रहे हैं सारा का सारा, तो ये जो आईडी हमने शुरू में लगाया था उसका क्या मकसद था? देखो, इंटरनेट अगर आपको वास्ट अपॉर्चुनिटी देता है या अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देता है, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है, तो उसके साथ साथ एक चेक भी रखता है। वो चेक क्या है? जितनी भी आप यहाँ पर सर्चिंग, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशंस करेंगे, उन सब का रिकॉर्ड आपकी आईडी जिससे आप इस टाइम कनेक्टेड हैं उसमें मेंटेन हो रहा होगा एज अ हिस्ट्री के तौर पे, ताकि आपको भी गूगल लोकेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? लोकेट क्या कर रहा होता है? जैसे ही मैंने अपना आईडी लगाया, गूगल के पास मेरी क्या 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 इन्फॉर्मेशन गई, नहीं, ये तो आईडी मैंने रजिस्टर, मेरा नाम चला गया, मेरा NIC चला गया, मेरा कॉन्टैक्ट, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, मेरा मैरिटल स्टेटस, फिर मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का डेटा,
ये तो उसके पास पहले ही चला गया, उसको पता चल गया ये आदमी किस ग्रुप का है, किस एज का है, क्या एजुकेशन है, क्या ये काम करता है। फिर जो जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर, गूगल उसको भी अपने पास रिकॉर्ड करता जा रहा है। अच्छा ये सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, वॉट एवर जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड गूगल अपने पास भी सेव कर रहा है और मेरी आईडी पे भी सेव हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करूँगा तो जो जो मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था गूगल वो मुझे वापस रिटेन करना शुरू करेगा उससे रिलेवेंट सर्च। जैसे आप लिखें आई हैव अ प्रॉब्लम हेयर फॉल, प्लीज़ सजेस्ट मी अ सोल्यूशन, तो गूगल अपने पास ये रिकॉर्ड कर लेगा और फिर आपको आपके मोबाइल पे हेयर फॉल के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, आपके यूट्यूब पे हेयर फॉल के शैम्पूज़ के और इससे रिलेटेड वीडियोज़ आना लग जाएंगी। और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आप सर्च कर रहे हैं, आपका डेटा भी बड़ा हो रहा है और आपको गूगल पूरा अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेगा। कुछ अरसे बाद आप नहीं होंगे, आपका रोबोट गूगल के पास होगा। आपका रोबोट क्या है, आपका मेंटलिटी क्या है, वो गूगल अपने पास रख लेगा और उसी तरीके से तमाम एक्शंस ले पाएगा जो आजकल एआई ले रहा है। यानी कि गूगल हमारा पिछला वाला वर्जन था, अब नया वर्जन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो भी ऐसे इवॉल्व हुआ है। अब हम गूगल से चलते हैं, आपको दिखाते हैं एआई वाला वर्जन। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास जो एक है ओपन बार्ड का chat gpt.com। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये हमें नज़र आएगा, फिलहाल ठीक है। तो यहाँ पर हमें चैट जीपीटी नज़र आएगा। अब ये मुझे कहेगा यहाँ से लॉगिन, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको कहूँगा लॉगिन, और जैसे ही ये लॉगिन होगा यहाँ से क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। और जब ये ऐड हो जाएगा इसके ऊपर तो अब क्या हुआ, तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर ऐड हो जाएगा तो ये चैट जीपीटी जो है, जो लॉगिन हुआ है वो मेरे उसी आईडी से लॉगिन हुआ है जो मैंने शुरू में अपना प्रोफाइल पे रजिस्टर्ड किया था। अब आए चैट जीपीटी, ये ओपन एआई का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है। क्या है रोबोट, समझते हैं क्या होता है रोबोट, समझ ही नहीं रहे, नाम सारे सुन रहे हो, फिल्में देख रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो क्या होता है रोबोट। क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मस्नूई इंसान के लिए, मशीन के लिए जो कि इवॉल्व की गई है, बनाई गई है लाइक ह्यूमन और बीइंग ह्यूमन में फर्क है। इंसान को किसने बनाया, अल्लाह ताला ने, और रोबोट को किसने बनाया, इंसान में। तो दोनों क्रिएशंस में सेम नहीं हो सकती। इंसान के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज रखी है जो इंसान को पता नहीं होता। जैसे अभी हम सबको ही आग लग जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, आपको है, लेकिन अभी जैसे आग लगेगी तो हमारे एकदम डिसीजन हमारा माइंड लेना शुरू करेगा। अब ये दिमाग मुख्तलिफ डिसीजन लेगा, सबके एक जैसे डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब अगर मैं भागूंगा तो माइंड भी सब भागे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेफ साइड कौन सी है, कुछ लोग नीचे छुप जाएंगे, कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे, कुछ लोग कोशिश करेंगे कि पहले ये निकल जाए तो हम निकलें, कुछ लोग डर के बैठ जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। सो ये क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ जो हैं वो अल्लाह ताला ने इंसान के ब्रेन में रखी है और वो अनलिमिटेड है। वो कैसे काम करता है आज तक नहीं समझ में आया। कुछ लोग कहते हैं ये देख कर काम करता है, तो भाई जो बंदे लोग अंधे होते हैं अगर वो देख कर काम करते हैं तो अंधे लोगों को भी ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब कैसे आते हैं उन लोगों को, आपको पता है जो बर्थ से ब्लाइंड हैं उन लोगों को भी ड्रीम्स आते हैं, है जिसने अंधा है तो उसको कैसे, तो ये तो खैर ऐसी बात है जिसको हम सब, लेकिन ये जो मशीन है इसको कुछ ऐसा किया गया है कि इसको गुज़िश्ता 10-15 सालों में तैयार किया गया है। कैसे तैयार किया गया, जैसे ये गूगल है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, आज से नहीं 20 साल से कर रहा है रिकॉर्ड, तो 20 साल में रिकॉर्ड कर करके जैसे नादरा वालों के पास हमारे दादा पर दादा बहन भाई रिश्तेदार सबका डेटा आ गया आज 20 सालों में, तो गूगल के पास भी पूरी दुनिया का डेटा आ गया और आने वाले बच्चों का भी डेटा आ गया। अब बोलेंगे आने वाले बच्चों का डेटा किसे आ गया, अभी जो बच्चा पैदा होगा 4 महीने बाद 12 महीने बाद उसका डेटा किसे आ गया भाई, पैदा ही नहीं हुआ, उसके पिक कैसे लगाएंगे,
पैदे पर पहले पता है इसको बच्चा होने वाला है इसको। देखो कैसे होगा, जैसे ही आप गूगल पे, जब लाजमी बात है किसी का कोई पेरेंट बनने वाला होता है, कोई मैरिज करने वाला होता है या कोई उसका डाइवोर्स हो रहा होता है, तो हम सब क्या करते हैं, यूट्यूब और गूगल पर उससे रिलेटेड सर्च करना शुरू करते हैं। मतलब बच्चे के बारे में मालूमात, शादी के बारे में मालूमात, शेरवानी के बारे में मालूमात, कपड़ों के लिए बारे। तो गूगल उस चीज़ के डेटा को कलेक्ट कर करके इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, कहता है कि अब इसकी शादी होने वाली है, अब इसके बच्चा होने वाला है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट, अब आजकल ऑनलाइन है ना, व्हाट्सएप पे या उस पर शेयर करते हैं, तो वो मेडिकल रिपोर्ट का डेटा चला जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अच्छा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर ने रिप्लाई किया, वो गूगल अपने पास ले लेता है, ओके, फिर वो कंफर्म करता है, अच्छा अब 6 महीने बाद 8 महीने बाद इसको बेबी, तो वो उससे रिलेटेड उसको ऐड दिखाना शुरू कर देता है, उससे रिलेटेड उसको बाकी सारी चीज़ें भी बताना शुरू कर देता है, तो वो बोलता है यार जैसे मैं सोच रहा हूँ गूगल कैसे कर रहा है, तो ये ऐसे कर रहा है। दिस इज द क्रैक, ये है उसका क्रैक। बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है, अवेयर, बी अवेयर, ऐसे ही बैठ के कुछ नहीं करना है इस पर, हाउ टू क्रिएट अ एटम बम, हाउ टू किडनैप, ये नहीं करना आप लोगों ने, अमेरिका वाले उठा लेंगे। कभी भी कोई भी थ्रेटन, कोई भी थ्रेटन सर्च, कोई भी ऐसी सर्च या कोई ऐसी सर्च आपने अपने आईडी पर नहीं करनी है जो कि एंटी टेररिज्म, टेररिज्म ब्लास्टिंग, क्रिमिनल क्राइम्स के अंदर आती है। आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करें, गूगल एक्सेस करें, चैट जीपीटी एक्सेस करें, उस पर आपने ख्याल ये रखना है कि मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तो जितना डरते अपने बाप से हो ना, बस उतना ही डरना है इस पर, समझे, कि मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अब कोई अगर अपने अब्बू से नहीं डरता है तो वो उसके बारे में सोच ले जिससे वो डरता है, ठीक है। तो जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वही एक्टिविटी आपने उतने हद तक महदूद रखनी है, समझ रहे मेरी बात। कभी भी ऐसी एक्टिविटीज़ पे नहीं जाना, हमें मज़ा आ रहा होता है, जैसे एक गेम था सबने खेला हो, GTA वाइस सिटी, लोग बाग उसको ऐसे खेलते थे, उसके अंदर बड़ा फ्रीडम होता था, किसी के घर में घुस जाओ, किसी को चमांड मारो, बाइक लो, भागो, गड़ी बिल्डिंग पे जाओ, ये बिल्डिंग खरीद लो, वो बिल्डिंग खरीद लो, डॉन बन जाओ, इमेजिनेशंस, इल्यूशंस। तो हमारा मेंटल ऐसे, मेंटलिटी ऐसे काम करती है। हमें ये कोई बैठ के बताएगा, किसी भी मज़हब की बात कर रहा हूँ, कि बेटा आपस में मिल के रहो, एक दूसरे से इखलाक से बात करो, इंसानियत से मोहब्बत करो, एक दूसरे का दर्द को समझो, तो ये तो पागल हो गया। और ये बैठ के बताएगा, अरे तेरे को पता है उसकी उससे लड़ाई हो गई, और तेरे को पता है उसकी वीडियो लीक हो गई, अबे रात को तो वो उधर पकड़ा गया था, अच्छा वो उधर पकड़ी गई थी, हाँ ये तो बताइए कैसे हो रहा है। यही काम हम इंटरनेट पर कर रहे होते हैं, समझ रहे, ये हमारी मेंटेलिटी इवोल्व हो रही है, ऐसी सोसाइटी हमारी बन गई है, सबको एक दूसरे की बुराई करने में बहुत मजा आता है, ये इस पे नहीं करना है भाई, बी अवेयर, ठीक है। तो आप पकड़े जाएंगे, करके देख ले, उड़ जाएगा तो बता देना, बोला सर को बता दो मैं उड़ गया हूँ, बस मेरा तो नाम मत लेना, मुझे भी उठा ले। अब मैं समझा रहा हूँ नहीं करना है, ये वही कर रहा है जाके, ओके। तो चैट जीपीटी गूगल से बेहतरीन है, कैसे, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं गूगल में, गूगल के सर्च में और चैट जीपीटी के सर्च में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। गूगल एक सर्च इंजन है और चैट जीपीटी एक AI रोबोट है, ओके, दोनों अभी हमारे सामने एक्टिवेट हैं, सही है। चलें मैं आपसे एक गूगल से हम कहते हैं गूगल क्या कर सकता है और गूगल क्या नहीं कर सकता। अगर हम कहते हैं गूगल को राइट एन एसे ऑन हैकिंग इन 3 lines, देखते हैं गूगल कर पाता है, नहीं, गूगल फेल हो गया यहां पे। क्यों? क्योंकि गूगल को डेटा दिया जाता है, जो जो वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हो रही हैं वो डेटा देंगी तो गूगल दिखाएगा। गूगल क्रिएटर नहीं है, इनोवेटर नहीं है, क्रिएट नहीं कर सकता ये। फिर ये क्या कर सकता है, ये आपका फ्रेंड है, ये वो वाला फ्रेंड है, यार बात सुन, दो चाय पकड़ ले और ऐसा कर, दो बिस्किट भी ले लियो, यार एक काम कर यार, फला बंदे का नंबर चाहिए, हाँ हाजिर हो जाएगा, यार लिया यार, फिर चलेंगे शाम को चाय पियेंगे, ये वो वाला फ्रेंड है, जो इसको मिलेगा वो कर लेगा। लेकिन इसको बोलेंगे ना, यार बात सुन, तू यूनिवर्सिटी से PhD कर लेगा, बोले यार ये मुझे नहीं आता,
ये नहीं कर सकता, थीसिस लिख देगा, ये वाला फ्रेंड है पढ़ नहीं सकता, ये आपको ढूंढ के डेटा देगा, ये वाला काम कौन करेगा आपका, ये वाला फ्रेंड करेगा। यानी कि ये आपका गली वाला फ्रेंड है और ये आपका जो है पढ़ा लिखा पीएचडी लेवल का फ्रेंड है, इसको सब आता है, जिससे आप अपने हर प्रॉब्लम पूछते हैं और हर प्रॉब्लम का सलूशन दे देता है। तो केडी पाठक वाला ड्रामा देखा है किसी ने, अदालत नहीं देखा, तुमसे पहले हो गया था वो। चलो ठीक है, यहां पे क्लिक करें, इसको बोलते हैं भाई राइट एन एसे ऑन हैकिंग, ठीक है, इन 3 लाइंस। देखेंगे क्या करेगा, आपको लिख के दे दिया इसने, सही है। आपने बोला नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल लिख दिया, मेक इट इन ईजी इंग्लिश, वही ऐसे इसने दोबारा बनाया जो इससे अलग है और उसमें आसान इंग्लिश के अल्फाज यूज किए। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मेक इट इन प्राइमरी इंग्लिश फॉर 5 क्लास स्टूडेंट, वही ऐसे इसने दोबारा बनाया, कुछ नए वर्ड्स आसान वर्ड्स के साथ इसने बना के दे दिया, ठीक है, ओके। आपने क्या किया, ये ऐसे लिया, इधर लिया, इधर पेस्ट कर दिया, सही है, सही है ना। अब मैंने इसमें गलतियां कर दी, कह रहा है हैकिंग इज व्हेन, हैकिंग के आगे मैंने लिख दिया हैकिंग हैव, गलती कर रहा हूं मैं, टू स्टॉप हैकर की स्पेलिंग भी गलत कर दी, वी नीड टू स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर स्क्रूटनी, ठीक है, ठीक है। अब इसको करके मैंने इसको दिया, अब ये समझे मैंने खुद लिखा है और मैं इसको कह रहा हूं नीचे डाल दिया, फाइंड एरर एंड डिस्प्ले सेपरेटली एंड सजेस्ट करेक्ट सॉल्यूशन, कह रहा है भाई पहला एरर है हैकिंग हैव व्हेन सम गेट्स की जगह पे आएगा हैकिंग हैपेंस व्हेन द सम गेट्स इनटू द कंप्यूटर, दूसरा कह रहा है टू स्टॉप हैकर्स, तो टू स्टॉप हैकर करेक्ट ये होगा, तीसरा कह रहा है वी नीड स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्क्रूटनी, कह रहा है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये इसने करेक्ट कर दिया। समझ में कुछ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है, आ रही है ना, ठीक है।